नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि घिया कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों घिया कैसे बनाते हैं, घिया की सब्ज़ी। तो दोस्तों सभी ने सबसे पहले क्या करना है, घिया जो है साबुत इसको धोना है पानी में, खुले पानी में इसको धोना है अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसको छीलते हैं, छीलते हैं इसको, इसका जो छिलका है इसको निकाल देते हैं। उसके बाद हम घिया की सब्ज़ी बनाते हैं। तो आज सीखेंगे हम कि घिया की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको छीलेंगे। तो दोस्तों इसको जो है छिलका जो इसको हम निकालते हैं ऐसे। सभी ने ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। दोस्तों नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चीरा करके इसका ऐसे निकाल सकते हैं। जो ऊपर का छिलका वो कम निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। तो दोस्तों ये हरा घिया है, अच्छी बहुत अच्छा इसकी जो सब्जी थी बहुत अच्छी होती है। फिर इसको बाद अपने इसको थोड़ा इसको काटना है, फिर इसको छोटा छोटा करके काटना है। तो दोस्तों अभी हमने इसको पूरा छील लिया, इसका छिलका उतार दिया। अब हम इसको छोटा छोटा करके काटेंगे। दोस्तों पहले सब्जी काटनी है, फिर इसके बाद ये धोनी है, क्योंकि सफाई का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने इसको अब काट लिया है, तो इसको इसके बाद क्या करना है, इसको धोना है पानी में। तो इसके लिए खुला पानी चाहिए, तो इसमें आप धो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम काटेंगे प्याज। तो प्याज को भी हमने छोटा छोटा काटना है, और इसके साथ हम हरी मिर्च काटेंगे, और इसमें अगर वो और मसाला आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं नॉर्मल सब्जी, सीधी सादी सब्जी बनाता हूँ जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो। तो इसमें हम प्याज डालेंगे, और प्याज के बाद हरी मिर्च डालेंगे, और धनिया ऊपर से डाल लेंगे। तो तब तक हम पहले इसको काटते हैं। तो दोस्तों प्याज जो काटते हैं, तो प्याज का काटने का तरीका ये है कि इसको आप ऊपर से ना थोड़ा गहरा करके, इसको यहाँ से ऐसा गहरा, तो जो इसके ये होता है, ये जो आपने देखा है, ये जो होता है खतरनाक होता है। तो इसलिए इस चीज़ को निकाल दो, प्याज में हमेशा याद रखना, और नीचे से भी ऐसे गहरा करके। बाकी आप साइड से निकाल दो, छिलका उतार दो ऐसे। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अब यहाँ से सेंटर से करते हैं ऐसे। आराम से करना है, ये ना हाथ कट जाए। छोटे छोटे टुकड़े करने हैं बिल्कुल। अब दोस्तों प्याज तो हमने काट लिया है, अब काटेंगे इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च भी छोटी छोटी काटेंगे, क्योंकि हरी मिर्च खाने से दोस्तों काफ़ी फायदे होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा पहाड़ों के लोग फिट कैसे रहते हैं, वो हमेशा सादी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालते, क्योंकि मसाला ज़्यादा डालने से क्या होता है, एक तो हमारा शरीर ख़राब होता है और कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है मसाले से बचे। सर प्याज, हरी मिर्च और या धनिया डालकर, तीन चीज़ें डालकर, और गरम मसाला भी नहीं डालते हो। तो इसलिए आपने कभी कोई दाल सब्जी भी खानी है या तड़का लगाना है, तो ज़्यादा मसाला ना डालें और ना ही ज़्यादा तेल डालें। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो
ये मसाला है, प्याज कट गया है, हरी मिर्च हो गई है, तो अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तो तड़के से पहले हमने इसको सब्जी को धोना है। तो दोस्तों अब हम इस सब्जी को इस पानी में धोएंगे, तो मैंने ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज आप सीख रहे हैं कि घी की सब्जी कैसे बनाते हैं। अच्छी तरह से धोना है। तो दोस्तों अब हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई के बाद हमने इसमें सरसों का तेल डालना है। दोस्तों हमेशा जो आप तेल यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करें। तो हम सरसों का तेल डाल देते हैं। तो हमने सरसों का तेल डाल दिया, और इसके बाद जैसे तेल गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम धनिया डालेंगे। तो धनिया डालने के बाद हम फिर इसमें प्याज और हरी मिर्च ये डालेंगे, और अपना जो भी नमक है और मिर्च टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो दोस्तों हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया, अब हम इसमें धनिया डालते हैं। धनिया पक जाएगा तो उसके बाद ही आपने ये डालना है इसमें प्याज और ये मिर्च। थोड़ा जो धनिया होगा उसकी कंडीशन जो लाल हो जाएगी, तो थोड़ा पक जाता है, तो अगर जल जाएगा तो काला हो जाता है, तो उसे जलाना नहीं है इसको। तो अब हमारा हो गया, अब हम इसमें डालते हैं प्याज और मिर्च। इसके बाद आपने इसमें हल्दी डालनी है, नमक डालना है। तो अब इस गैस को हम थोड़ा कम कर देते हैं और इसको छेड़ देनी है, इसको हिलाना है, क्योंकि प्याज हमेशा जो होता है कम गैस में होता है, कम गैस में पकाते हैं इसको, तो इसलिए गैस को थोड़ा कम कर लो। और इसमें हम अब हल्दी और मिर्च, ये हल्दी और नमक डालते हैं, हल्दी और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों ये हल्दी है, तो हल्दी हमने डाल दी। अब ये कच्चा है, जब पक जाता है तो इसका रंग जो होता है थोड़ा ब्राउन हो जाता है। अब इसमें नमक डालेंगे चुटकी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों हम नमक डाल रहे हैं, मैं तो एस्टिमेट से डाल रहा हूँ, आइडिया से, आपने नहीं डालना ऐसे। ये ना हो कि आपका नमक हमेशा कम डालना है, ज़्यादा डालोगे तो सब्जी के अंदर ज़्यादा हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर उसका ना आप खा सकते। थोड़ा कम होगा तो आप डाल ऊपर से डाल सकते हो। और दोस्तों अगर इसके साथ आपके पास दही है तो उसका मज़ा कुछ और है। तो दही का होता तो घी की सब्ज़ी दही और लस्सी के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। तब ये इसको पका रहे हैं। दोस्तों हमारा मसाला पक गया है, अब इसमें हम घी डालेंगे जो हमने धो कर रखा था। फिर इसको हिलाएंगे। तो दोस्तों इसको पूरे को हिलाना है, बराबर करना है, इसमें मसाले को मिलाना है। तो अभी अगर सब्जी ज़्यादा है तो थोड़ा आप रुक सकते हैं। इसके बाद आपने ढक्कन दे देना इसके ऊपर। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक्कन से ढाँप देते हैं, उसके बाद हम इसको निकालेंगे तो हमारी सब्जी जो है तो बन जाएगी। उसके बाद हमने इसको हिलाना है और चेक करना है कि सब्जी पक गई या नहीं पक गई। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि हम घिया कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये जो स्टाइल है वो पहाड़ी स्टाइल में बनाते हैं, क्योंकि ऐसे जो सब्ज़ी बनाते हैं बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी होती है। ऐसी सब्ज़ी आप खाओगे तो हमेशा याद करोगे हमने कुछ खाया। दोस्तों ये जो घिया था वो नेचुरल घिया था, ना कि बाज़ार में बिकने वाला था, तो इसलिए ये हमारे खेतों से खुद हुआ था। तो दोस्तों अब इसको हम 10 मिनट तक वेट करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमारा जो घिया है, घिया की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आपने इसको 10 मिनट के बाद इसको निकाल दिया है। ये देखो आप, इसका रंग जो, इसमें हमने पानी नहीं डाला है, पानी इसमें ऑटोमेटिक आता है। तो ध्यान रखना है कि अगर सब्ज़ी टेस्ट बनानी है तो पानी इसके अंदर आप बिल्कुल ना डालें, इसी के पानी को
क्योंकि जब आप भाप देते हो तो ये ऑटोमेटिक पानी जो होता है निकाल देता है। तो अब हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि हम घी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।